सुप्रभात बच्चों, आज हिंदी वसंत भाग एक का पाठ 12 संसार पुस्तक है। जैसा कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, अब इसका आखिरी जो अंतिम शेष भाग है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ संसार के बारे में। उसे आप ध्यान से पढ़ कर के प्रश्नों के उत्तर देंगे। इस तरह वह कंकड़ बनना जो तुम्हारे सामने है, किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया, तुम उसे पा गई। दरिया उसे और आगे ले जाता है तो वह छोटे होते होते अंत में बालू का एक जर्रा हो जाता है। समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता है, जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता है जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं और बालू के ही घरौंदे बनाते हैं। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है तो पहाड़ों और दूसरी चीज़ों से जो हमारे चारों तरफ हैं हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती हैं। जवाहरलाल नेहरू अंग्रेजी के अनुवाद और प्रेमचंद जी इन्होंने ये लिखा है। और कुछ प्रश्न हैं, लेखक ने प्रकृति की अक्षर किन्हें कहा है? लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी? ये आप बच्चे इन पाठ को पढ़ेंगे तो आपको इनका उत्तर देना आसान हो जाएगा। धन्यवाद।